Acha, welcome to the 2019 election discussions. Farhan bhai, now today we are going to discuss about Modi wave. 2014 mein bahut sare log jo hai Modi ko chah rahe the aur press mein bhi unko itna promote kar rahe the aur general people also were really promoting him. But after 4 years, 2018 mein bahut sare changes aakar hain, jaise ki Ramjit Milani aur unke Yashwant Sinha, Shatrughan Sinha and Arun Shauri, those people who were supporting Modi at that point in time are no more with Modi, but they have gone against Modi. So what is the reason for such a shift, and what do you think about the charisma of Modi? Dekhiye, 2014 mein janta bhi thi, wo ek change chahti thi. चाहती थी कोई ऐसा व्यक्ति आए जिससे एक नया देश बने. इसका फायदा मोदी जी ने बहुत अच्छे से उठाया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उस भरोसे को जनता ने बहुत अच्छे से उनको जिताया. तब भरोसे में कुछ कमिटमेंट किया उन्होंने कि मैं क्या क्या करूंगा. तो सबसे बड़ा कमिटमेंट उन्होंने किया था कि जितना भी ब्लैक मनी बाहर है मैं उसको लेके आऊँगा. उसको जब लेके आऊंगा तो हर किसी के घर में 15 लाख रुपया ऐसे ही चला जाएगा. अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा. तो वो कमिटमेंट कुछ भी नहीं हुआ. और उसपे एक और गलती किया अमित शाह ने कि एक इंटरव्यू उन्होंने बोला दिया, अरे इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे जुल्मे बोले जाते हैं. 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता. वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है. भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, ऐसे चीजों को इस्तेमाल किया जाता है. तो खैर वो चीज है. उसके बाद से आप देख लेंगे पेट्रोल का एक कंपेरिजन ले लेते हैं कि 2014 में जो पेट्रोल का प्राइस था वो था 60 रुपया, अभी 80 रुपया है. और डीजल उस वक्त 45 था, अभी है 60 रुपया. आप एलपीजी गैस ले लीजिए, 400 रुपया था वो 800 रुपया है. दूध 30 रुपया था वो 40 रुपया हो गया. तो ये जनता इसको भूली नहीं है, इसको दिखाई दे रहा है कि क्लियर कट की महंगाई बढ़ी है. ठीक है, तो आप कितना झूठ बोलेंगे? अब जो कमिटमेंट आप फेल किए हैं तो उसको जाके फिर बोल नहीं सकते कि मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, क्योंकि रामदेव बाबा भी आपकी अदालत में खुल्लम खुल्ला बोले थे कि आप किसको वोट दोगे जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाएगा उसको. अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? तो उन्होंने भी कमिटमेंट दिया था मोदी जी की तरफ से, वो भी फेल हो गए. अब आप ले लीजिए फार्मर सुसाइड, एक बड़ा इशू था, उसके ऊपर भी और नंबर ज्यादा बढ़ गया, कम नहीं हुआ. उसके बाद इन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान, बहुत बड़ा, बहुत कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर. बेटियों के बारे में अत्याचार हो गया, रेप केस बढ़ गया. इस पॉइंट पे मोदी जी कभी खुल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, क्योंकि आप जब पीएम बनते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की जनता आपकी अच्छी चीज़ों को सुनने के, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा पीएम कुछ हमको करके देगा. लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया. उसके बाद से आप आ जाइए जो सबसे बड़ा ये था, नोटबंदी. नोटबंदी के ऊपर 2 साल लग गया इन लोगों को ये बताने के लिए कितना पैसा आया. आज जब ये 2 साल के बाद आया तब पता चला ये तो सेटबैक है, इसमें प्रॉब्लम हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ. उसका जीएसटी से मोर और लेस आप देखेंगे लोगों के 30-35% नुकसान हुआ है, उनका जो इनकम था कम हुआ है. तो वो भी एक तरह से फेल्योर है. किसी आइटम में आप ज़्यादा डाल दिए थे जीएसटी, बाद में आपने कम किया है, तो प्रॉपर उसको प्रॉपर वे में उसको लॉन्च नहीं किया. तो ये सारी चीज़ पब्लिक जानती है भाई, भूलेगी नहीं. तब तो ये सारी चीज़ को जाके आप रिपीट नहीं कर सकते कि मैं ये सब बेनिफिट दूंगा आप मेरे को वोट दे दो. तो इसके वजह से उनकी जो पब्लिसिटी थी और जो उनका पुल था 2014 में बहुत ही कम हुआ है. और बैंक का स्कैम आप देख ले, बैंक के स्कैम में इन्होंने कुछ एक्शन नहीं ले पाए, किसी को पकड़ के नहीं ले पाए, हर लोग आसानी से बैंक को उल्लू बना के पैसा निकाल लिए. गौरक्षक के ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं टिप्पणी किया कि इस टाइप के मॉब लिंचिंग नहीं चलेगा. तो भाई प्रधानमंत्री ये सब चीज़ें में बोलते नहीं हैं. और दूसरी बात देख लीजिए, जब मोदी जी को जिताना था तो बहुत सारे लेडीज़ हैं, चेन हैं, जो कि ये लोग आके एकदम
अनशन कर दे, एक भी बेटी का रेप हो जाता था तो पूरे जितना भी बीजेपी में लेडीज एमपी हैं ये सारे लोग रोड पे आ जाते थे। लेकिन अब जब मोदी की गवर्नमेंट है कि इन लोगों में से किसी के भी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये सारा चीज़ कंपेयर किया जाएगा, लोग इसको देखेंगे और जो अपोजिशन वाले लोग भी हैं इसको हाईलाइट करेंगे इलेक्शन के नज़दीक और ज़्यादा। तो ये मोदी जी का वेव मेरे हिसाब से 50% कंपेयर टू 2014 अभी 50% कम हुआ है। तो 543 नंबर जो है दी टोटल नंबर ऑफ एमपीस, तो उसमें से 273 इज द मैजिकल नंबर। क्या बीजेपी 273 आसानी से ले आ सकते हैं? बहुत मुश्किल है इस बार, हमको नहीं लगता है कि, मेरे हिसाब से जिस तरह का वेव चल रहा है दिस टाइम ये लोग 165 के अंदर से मट जाएंगे, उससे ऊपर नहीं आए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? गुड गवर्नेंस नहीं है, मेक इन इंडिया नहीं है और अच्छे दिन नहीं है, अभी कौन सा फिलॉसफी, कौन सा स्लोगन से शुरू करेंगे? देखिए स्लोगन इसमें शुरू होगा कि ये बोला जाएगा कि हम राम मंदिर बना देंगे अगर आप हमको फिर से जिताएंगे। तो उनको तो ऑलरेडी 4 years था ना, क्यों वो नहीं किया? हमको भूमिका बनाने में टाइम लगता ना, ये बहुत कोर्ट का इश्यू है, ये है। एक मुद्दा अभी लेके वो जरूर चलेंगे बहुत अग्रेसिव वे में मंदिर का, ठीक है, और उसको मंदिर का इश्यू इसलिए लेके चलेंगे, उस मंदिर के इश्यू को लेने से बहुत छुटपुट घटनाएं होंगी जिससे जनता के अंदर डर पैदा होगा। तो एक बहुत बड़ा चीज यूज किया जाएगा, डर को यूज करा के, जो कि डर मीडिया के अंदर भी डर होगा कि आप मेरे को सपोर्ट करो, आप नहीं करोगे तो, आपने देखा है बहुत सारे लोग जब नए नए चीज़ सामने ला रहे थे, गवर्नमेंट की फेलियर को दिखा रहे थे तो उनको नौकरी से निकलवाया गया है, तो ये भी सामने है, जनता इसको भी देख रही है। तो डर लफ्ज़ को यूज़ किया जाएगा, चाहे कि ये बता के कि देखो ये मुसलमान लोग हैं यहाँ पे हंगामा के, भले ही वो मुसलमान नहीं। अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का बैठ के तिरंगा को फाड़ता है, बाद में फेक न्यूज़ में पता चला कि वो मुस्लिम लड़का नहीं था, वो हिंदू था। तो इस टाइप की चीज़ को क्रिएट किया जाएगा कि अगर वहाँ मुसलमान नहीं भी हो तो मुसलमान का चोला बनाकर हंगामा किया जाएगा कि जनता के अंदर एक डर हो जाए। तो इस बार इस टाइप के फेक न्यूज़ से आम जनता को बचना पड़ेगा, क्योंकि शुभम स्वामी का आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला बोला कि विकास के ऊपर राजनीति नहीं होती है। आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बंट ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके, बोरा सिया इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और ख़ासतौर वो वहाबी सुन्नी है उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली, ये गवर्नेंस वावर्नेंस ये सब कहने की बात है, उस पर नहीं जीते। अब फूट कराओ जीतो, डराओ और जीतो, तो वही बाकी है, वही अब बाकी है। ठीक है, देखेंगे क्या बदलाव ले आ सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट आर द अपकमिंग चेंजेस इन द होल पॉलिटिकल सिनेरियो। वी होप समथिंग गुड हैपेंस। थैंक यू मिस्टर फरहान।